गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की बुक वसुधा भाग 6 का पेज नंबर 58 निकाल लीजिए और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड कीजिए। तो बच्चों, आज हम पाठ 8 संज्ञा का तीसरा विकार कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक, बच्चों इसे इंग्लिश में केस भी कहते हैं। हमारा कारक पढ़ने का उद्देश्य कारक व उसके चिन्हों के बारे में जानकारी हासिल करना है। इन चिन्हों को हम परसर्ग और कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। ये चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगकर बाकी शब्दों से उनका संबंध जोड़ते हैं। जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तो हम कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो आइए इस चार्ट द्वारा इन चिन्हों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ने, को, से, की, के लिए, अरे, के, हे, में, का, पर, ये सभी कारक चिन्ह है। इन चिन्हों के बिना वाक्य का सही अर्थ नहीं समझ में आता। आओ बच्चों, हम कुछ वाक्यों को पढ़कर इन्हें विस्तार से जानते हैं। मेरे साथ साथ इन वाक्यों को पढ़िए। यह पंकज परिवार है। उस परिवार, उस माता पिता, दादा दादी व एक बहन रहती है। पंकज बहन नाम शीना है। पंकज और शीना विद्यालय जाने तैयार हैं। वे अपने दादा दादी आशीर्वाद ले रहे हैं। बच्चों, आपको ये वाक्य पढ़ने में अधूरे लग रहे होंगे, तो इन वाक्यों को हम एक बार फिर से दोहराते हैं। आप भी मेरे साथ इन वाक्यों को पढ़िए। यह पंकज का परिवार है। उसके परिवार में उसके माता पिता, दादा दादी व एक बहन रहती है। पंकज की बहन का नाम शीना है। पंकज और शीना विद्यालय जाने को तैयार हैं। वे अपने दादा दादी का आशीर्वाद ले रहे हैं। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों द्वारा वाक्यों का सही अर्थ समझ में आ रहा है। तो बच्चों, वाक्यों में लगने वाले इन चिन्हों को ही कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। तो आइए अब हम अपनी पुस्तक पर चलते हैं। पेज 58 और 59 पर दिए गए इस अनुच्छेद को हम चार्ट द्वारा पहले ही समझ चुके हैं। आइए पहले कारक की परिभाषा को मार्क करते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में उसका संबंध क्रिया के साथ बताया जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने वाले शब्द अथवा चिन्हों को कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। अब हम कारक के भेदों के बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद होते हैं। कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन, और ये इनके विभक्ति चिन्ह हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने, कर्म कारक का चिन्ह को, कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से के द्वारा, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को के लिए, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से अलग होना, संबंध कारक का के की रा रे री, अधिकरण कारक ने पर, संबोधन हे ओ अरे आदि। पहला कर्ता कारक। कर्ता यानी काम को करने वाला, और इसका चिन्ह कौन सा होता है? ने। पहला वाक्य पढ़ते हैं, गीता ने खाना बनाया। तो ने कारक चिन्ह के साथ यहाँ कौन सा संज्ञा शब्द है? गीता। तो गीता यहाँ काम को करने वाला
शब्द है इसलिए यह कर्ता कारक है। बच्चों कई बार वाक्यों में ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इस वाक्य को पढ़िए, सुनील पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? सुनील। तो सुनील यहाँ कर्ता कारक के रूप में आया है। जो अब पेज 60 पर चलते हैं और पढ़ते हैं कारक का दूसरा भेद, कर्म कारक। शब्द के द्वारा वाक्य में जब क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह कौन सा होता है? को। इसके साथ को चिन्ह लगाया जाता है। पहले वाक्य को पढ़ते हैं, माँ सपना को डांट रही है। डांट रही है यहाँ क्रिया शब्द है जिसका फल सपना शब्द पर, संज्ञा शब्द पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ सपना जो है कर्म कारक के रूप में आया है। बच्चों कई बार वाक्यों में को कारक चिन्ह नहीं लगा होता, जैसे विपिन विद्यालय जा रहा है, तो जा रहा है यहाँ पे क्रिया है जिसका फल विद्यालय पर पड़ रहा है, इसलिए विद्यालय कर्म कारक के रूप में आया है। करण कारक। जिस साधन के माध्यम से कर्ता अपने काम को पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसके साथ चिन्ह लगाया जाता है से या के द्वारा, जिससे हम इसे पहचान सकते हैं। पहला वाक्य, किरण कलम से लिखती है। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है? से। और किरण किससे लिख रही है? कलम से लिख रही है। तो यहाँ कलम शब्द एक साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए कलम यहाँ करण कारक है। अगला, दादी चाकू से फल काटती है। यहाँ पर से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और दादी फल काटने के लिए कौन सा साधन प्रयोग कर रही है? चाकू। तो चाकू यहाँ करण कारक के रूप में आया है। इसी तरह साइकिल, बस, ये सभी शब्द के माध्यम से काम पूरे हो रहे हैं, तो ये सब शब्द करण कारक हैं। अगला, संप्रदान कारक। इसमें कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और इसके लिए हम कौन सा विभक्ति चिन्ह लगाते हैं? को या के लिए। जैसे पहला वाक्य, माँ ने पुत्र को भोजन दिया। यहाँ कौन सा विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है? को। और वाक्यों में यदि कुछ देने का या करने का भाव हो तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे यहाँ माँ पुत्र को भोजन दे रही है, तो यहाँ पर पुत्र क्या है? संप्रदान कारक। अगला, प्रियंका ने अपने भाई के लिए उपहार खरीदा। अब यहाँ पर के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और भाई यहाँ संप्रदान कारक चिन्ह के रूप में आया है। अगला, अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा जब अलग होने, गिरने या दूर होने का भाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह भी से होता है। जैसे पहला वाक्य पढ़ते हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अब यहाँ पर से कारक चिन्ह लगा हुआ है और पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, मतलब पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं। यहाँ पर अलग होने का भाव दर्शाया गया है। तो बच्चों हमने से करण कारक और अपादान कारक में प्रयोग किया, पर करण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में अर्थात सोर्स के रूप में प्रयोग हुआ है, जबकि अपादान में से कारक चिन्ह का प्रयोग अलग होने के भाव में प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य, नेहा अंकिता से अधिक बुद्धिमती है। बुद्धिमती मीन्स इंटेलिजेंट। इस वाक्य में नेहा और अंकिता की आपस में तुलना की जा रही है। तो बच्चों जब वाक्य में किसी से तुलना की जाती है तो वहां पर भी अपादान कारक होता है। अब पेज 61 पर चलते हैं और पढ़ते हैं संबंध कारक। संबंध कारक में शब्द का जो रूप संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध का बोध कराता है उसे संबंध कारक कहते हैं। और इसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री,
ना ने नी। और दूसरा, इसके चिन्ह संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं। जैसे पहला वाक्य, अनीता की बेटी सुंदर है, तो यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है? की। और यहाँ पर बेटी का अनीता से संबंध बताया जा रहा है। अगला वाक्य, यह माँ की साड़ी है, यहाँ पर भी की कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और यहाँ साड़ी का माँ से संबंध बताया जा रहा है। इसलिए पुस्तक का मेरी से, बेटी का अनीता से, साड़ी का माँ से और भाई का विशाल से संबंध बताया जा रहा है, तो ये सभी संबंध कारक हैं। अगला, अधिकरण कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के स्थान अथवा समय का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है और इसके कारक चिन्ह में तथा पर होते हैं। जैसे पहला वाक्य, पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं, यहाँ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? पर, कुर्सी पर। यहाँ पर कुर्सी अधिकरण कारक है। कमरे में आकाश सो रहा है, कान में उंगली मत डालो, मेज पर गिलास रखा है, तो इन वाक्यों में कुर्सी पर, कमरे में, कान में तथा मेज पर आदि शब्दों से उनके स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए ये सभी अधिकरण कारक है। अब पढ़ते हैं कारक का आठवां भेद, संबोधन कारक। इस कारक में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी को पुकारने, बुलाने अथवा सूचित करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़ते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो? हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ओ लड़के मेरी बात सुनो। अरे अन्नु कितनी सुंदर लग रही है। इन वाक्यों में अरे, हे प्रभु और ओ द्वारा किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो रहा है, इसलिए ये सभी शब्द संबोधन कारक हैं। बच्चों, आपको कारक के भेदों और उसके चिन्हों का ज्ञान हो गया होगा, तो चलिए अब हम पेज 63 पर एक्सरसाइज 6 और 7 को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 6, निम्नलिखित वाक्यों में विभक्ति चिन्ह को रेखांकित करते हुए कारक भेद लिखिए, यानी इन वाक्यों को पढ़कर आपने उनमें से कारक चिन्ह अर्थात प्रसर्ग निकालने हैं और उस कारक का नाम भी लिखना है। जैसे पहला वाक्य, पिताजी ने रोहन को पढ़ाया, तो यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है? ने। और ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता कारक, बिल्कुल सही। अगला वाक्य, वायुयान आकाश में उड़ता है, वायुयान मीन्स एरोप्लेन, तो यह कौन सा कारक चिन्ह है? मे। तो मे कौन से कारक का चिन्ह है? अधिकरण। अधिकरण के साथ दो कारक चिन्ह लगते हैं, मे और पर। इसी तरह बच्चों, आपने अगले वाक्यों को पढ़कर उनके कारक चिन्हों का नाम लिखना है और उसके कारक का भी नाम बुक पर लिखना है। अगली एक्सरसाइज, 7th एक्सरसाइज, निम्नलिखित पर सर्गों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, मतलब ये कारक चिन्ह दिए गए हैं, आपने इनका प्रयोग करते हुए अपनी बुक पर वाक्य बनाने हैं। जैसे पर, बंदर पेड़ पर बैठा है, तो इसी तरह अन्य कारक चिन्हों के साथ आपने अलग अलग वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों, आपको आज का टॉपिक इस सेशन के माध्यम से समझ में आ गया होगा, तो आपने इस चैप्टर की अच्छे से दोहराई करनी है और इन कारक चिन्हों को याद करना है। हम जल्द ही उपस्थित होंगे। टिल देन, गुड बाय।